नमस्कार, मैं हूं अपरूपा और आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि डिजिटल गोल्ड खरीदना क्या हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन है। अगर है तो आखिर क्यों है? अगर आप मार्केट के बारे में जानते हैं या मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने सेफेस्ट ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसको एंड तक जरूर जरूर देखें। इंडिया में आउट ऑफ 1.36 बिलियन पीपल सिर्फ 3.7% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट वैसे तो एक अच्छा और फ्यूचर के लिए काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आता है, मगर हर कोई चाहता है कि सेफ ऑप्शन के साथ जाना, जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न ROI ज्यादा हो। आज के बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन को देखते हुए डिजिटल गोल्ड खरीदना एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऑप्शन है। मार्केट में इंस्टेबिलिटी तो हमेशा रहती है, कभी वॉर की वजह से तो कभी वायरस की वजह से। इसमें कब इन्फ्लेशन आ जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा चैनल ढूंढना जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले इवन व्हेन द इन्फ्लेशन इज स्काई हाई। दैट इज एग्जैक्टली वेयर डिजिटल गोल्ड कम्स इनटू द पिक्चर। गोल्ड तो ना जाने कितने सदियों से हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। हमारे पूर्वज यानी कि हमारे पेरेंट्स, उनके पूर्वज और उनके भी शायद पिछले जेनरेशन के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते थे। अब भी बात सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि अब गोल्ड आप फिजिकल या फिर ज्वेलरी के तौर पे नहीं खरीद के डिजिटली खरीदने का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। वेल, डिजिटली गोल्ड खरीदने के आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आप पेटीएम ऐप से डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, आप गैलेक्सी कार्ड ऐप से डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, गैलेक्सी कार्ड ऐप जैसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डिजिटल गोल्ड बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप छोटे से छोटे अमाउंट का गोल्ड भी खरीद सकते हैं और बड़े अमाउंट का भी। इनफैक्ट जब भी आपका मन करे आप इसे बहुत इजीली बेच भी सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केट का। वेल, गोल्ड एक्सपीरियंसेस माइनर इफेक्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू इंडिया गोल्ड मार्केट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, फॉर एवरी 1% राइज इन इन्फ्लेशन द डिमांड ऑफ गोल्ड इन इंडिया सोर्स बाय 2.6%। विद फर्दर रिसर्च we have come to know that gold in the last 3 decades have provided a 10% annualized return. yani ki gold na ke sirf hedge ke hisab se khadi ho jati hai against inflation, balki wo future ke liye long term investment ke liye ek bahut hi acha option hai. to aaiye aapko batate hain easy tarika galaxy card app se gold khareedne ka. First, you will have to download the Galaxy Card app. Then, you need to complete the KYC and you need to get the credit limit. नीचे दिए गए ऑप्शंस में जाए, वहां पे बाय गोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करे और अपना क्रेडिट लिमिट यूज करके बहुत आसानी से गोल्ड खरीदे। आप चाहे तो उसको EMI पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल, ये तो हो गया कि कितने इजीली आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं गैलेक्सी कार्ड ऐप यूज करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल गोल्ड। अगर डिजिटल गोल्ड से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूले। और क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हर एक वीडियो के लिए क्रेडिट कार्ड सही है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड रिमेंबर, क्रेडिट कार्ड सही है।